उस पर टैप करेंगे। जैसे ही उस पर आप टैप करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, और इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिम वन मोबाइल डाटा यूजेस। फ्रेंड ये आता कैसे है, जैसे आपका रोज का 2 GB मिलता है और आप 2 GB से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको ये हर टाइम मतलब उसमें वार्निंग दिखाता रहता है। तो इसको बंद करने के लिए बस आपको 2 स्टेप करनी है। पहले स्टेप मोबाइल डाटा यूजेस पे क्लिक करना है जो फर्स्ट में ही आ रहा है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद डेटा वार्निंग पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 2 GB है क्योंकि हमें रोज़ का 2 GB डेटा मिलता है जियो में, तो इसको हम करते हैं 1024.0, यानी इसको हमने 1 TB कर दिया, यानी 1024 GB इक्वल टू 1 TB इसको हम सेट कर देते हैं। बट अभी ये नोटिफिकेशन डेटा वार्निंग हटा नहीं है, तो अभी एक सेटिंग्स और है छोटी सी, इसको आप बैक कर लीजिए ऐसे। और बैक करने के बाद में ये मोबाइल डेटा है, अब एक मोबाइल डेटा नीचे आ रहा है सेकंड का। अगर आपका सिम सेकंड में है, जैसे सेकंड पे आप डेटा चला रहे हो तो ये सेकंड का बन करना है, आप अगर फर्स्ट में चला रहे हो पहले सिम में तो पहले का करना है। तो अब मैं दूसरे में चला रहा हूँ तो मैं दूसरे का बंद करता हूँ। डेटा वार्निंग क्लिक किया, देन सेटिंग्स पे क्लिक किया एंड डेटा वार्निंग, और आपको यहाँ पे 1024.0 सेट कर लेना है। और हाँ फ्रेंड, यहाँ और देखना आप यहाँ पे GB में सेट करना, MB भी है यहाँ पे और GB भी है, तो यहाँ GB देख लेना सेट। और देखिए जैसे ही हमने इसको सेट किया तो हमारा जो डेटा वार्निंग था वो एकदम से हट गया। तो फ्रेंड आप भी बहुत सिंपल स्टेप हैं, आप भी कर सकते हो अपने किसी भी सैमसंग मोबाइल में। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।